दाना तूफान का कुछ ही देर में उड़ीसा में लैंडफॉल होने वाला है। दाना तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। हवाएं तेज हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कुछ ही देर में हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तबाही के इस महातूफान की दहशत इतनी ज्यादा है कि रेल, फ्लाइट, बस, कार सब पर ब्रेक लग चुका है। लोग घरों में खिड़की दरवाजे बंद करके छिपे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात हैं। उड़ीसा के कई जिलों में इस वक्त हालात कर्फ्यू जैसे हैं। दाना साइक्लोन तेजी से आगे बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए उड़ीसा और बंगाल सरकार भी मुस्तैद है। इस वक्त उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी अधिकारियों के साथ साइक्लोन से बचाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी भी वॉर रूम में तैनात हैं। ममता बनर्जी हावड़ा में बनाए गए कंट्रोल सेंटर से पूरी सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रही है। तो लगातार दाना तूफान को लेकर खतरा बना हुआ है और यही वजह है कि देर रात इस वक्त बैठकें उड़ीसा और साथ ही साथ बंगाल में चल रही है, क्योंकि उड़ीसा में इस चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल होने वाला है और उसके साथ साथ उसका असर बंगाल में भी देखने को मिलेगा। बंगाल में भी कई रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन जब उड़ीसा में लैंडफॉल होगा तब सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। तो बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोहन चरण मांझी जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। पूरी सिचुएशन का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि देर रात जब इसका लैंडफॉल होगा दाना तूफान का, सिचुएशन किस तरह की बनेगी। लोगों को शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को तमाम तरह की सहूलियत भी मिल पाए और ये जो लैंडफॉल होने वाला है इसके बाद जो नुकसान होगा उसके लिए भी सभी टीम्स को तैनात कर रखा गया है, तैयार किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं ताकि सिचुएशन अगर खराब होती है तो उसको संभालने के लिए वहां पर टीम्स भी तैनात हो। वहीं दूसरी तरफ आप बंगाल की तस्वीर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी देर रात इस वक्त बैठक कर रही हैं तमाम अधिकारियों के साथ, उनसे सिचुएशन का जायजा ले रही हैं और पूरी सिचुएशन की मॉनिटरिंग इस वक्त वहां पर की जा रही है। हावड़ा में आप मीटिंग की तस्वीरें देख रहे हैं जो इस वक्त हो रही है। ममता बनर्जी उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रही हैं और लगातार देखा जा रहा है कि कितनी दूरी पर इस वक्त दाना तूफान है और कितनी तेज रफ्तार से वो बंगाल की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले उसका लैंडफॉल उड़ीसा में होगा, उसके बाद बंगाल में होगा और फिर जिस तरीके की वहां पर मंजर देखने को मिलेगा उसको लेकर ही इस वक्त पूरी तैयारी वहां पर की जा रही है। सबसे ज्यादा असर जो है वो बंगाल और उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित ये दोनों राज्य ही होंगे और यही वजह है कि इन दोनों राज्यों में इस वक्त हाई अलर्ट रखा गया है। एक तरीके से गए कर्फ्यू वहां पर लग चुका है, क्योंकि लोगों को उनके घरों से, खासतौर पर जो तटीय इलाके में लोग रहते हैं उनको उनके घरों से दूसरी जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। साइक्लोन दाना उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और तमिलनाडु में अपना कहर बरपा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को लेकर है। साइक्लोन दाना का जब धामरा में लैंडफॉल होगा उस वक्त हवा की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होगी, लेकिन उससे पहले कई इलाकों में 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दाना की दस्तक से पहले ही केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दाना का सबसे ज्यादा असर धामरा पोर्ट इलाके में होने की आशंका है। सुबह से ही इलाके का मौसम बिगड़ा हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं, जोरदार बारिश हो रही है। साइक्लोन का जब लैंडफॉल होगा तो हवा की रफ्तार और भी ज्यादा हो जाएगी। हवा इतनी तेज होगी कि उसके आगे कच्चे घरों का टिकना मुश्किल लग रहा है, इसीलिए लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक 30,000 से ज्यादा लोगों को सेफ हाउस पहुंचा दिया गया है। ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ धामरा पोर्ट से ही जुड़े हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर होने वाला है। ओंकार, क्या इस वक्त सिचुएशन वहां पर है, क्योंकि अभी ही हवाएं 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं और कितनी देर में इसके लैंडफॉल होने की संभावना? देखिए, लैंडफॉल जो है वो लैंडफॉल फिलहाल तो रात के 12:30 के बाद से ये लैंडफॉल शुरू होने वाली है, और जैसे कि देखा जा रहा है अभी मौसम जैसे है कि तेज़ हवाएं चल रही है, इसके साथ साथ बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से सभी व्यवस्थाएं भी की गई है, जैसे कि यहाँ पर जितने भी कच्चे घर है, कच्चे मकान है, उनमें से जितने भी लोग रहते हैं उनको नियरेस्ट जो शेल्टर है उस शेल्टर में शिफ्ट करवा दिया गया है। इसी के साथ साथ जो जैसे कि देखा गया है कि अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं भी रखी गई है, और इसके साथ साथ हम लोग आज उड़ीसा का जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनको भद्रक जिले की जिनको दायित्व दिया गया है, उनको भी वो भी मुआयना किया है पूरे जिले के, और ये जहाँ पर हम लोग इस वक्त है यानी कि भद्रक जिला में,
तो कहीं ना कहीं ये कैजुअलिटी जीरो हो, ये मद्देनजर रखते हुए सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है। और ये जो हम लोग आखिर ये दाना की तरफ नजर रखें, तो जब ये जब जमीनी तट से टकराएगा तो इनका जो हवाएं चलेगी कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती है, ऐसा ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आखिर हवाएं चलेगी तो जाहिर सी बात है कि क्षति होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, क्षति होने की आशंकाएँ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है, जैसे कि 30,000 लोगों को जो कच्चे घरों पर रहते हैं उनको हटाया गया है, और हटा के 200 से भी ज़्यादा रिलीफ शेल्टर, राहत शेल्टर जो बनाया गया है उस पर शिफ्ट करवा दिया गया है। जहाँ पर अभी इस वक्त हम लोग हैं यानी कि भद्रक जिला पे, तो जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर नज़दीकी 8 ग्राम पंचायत है, उस 8 ग्राम पंचायत के सभी लोगों को शिफ्ट करवाने का जो काम है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन जब लैंडफॉल होगा यानी कि दाना का लैंडफॉल जब होगा रात के 12:30 के बाद, तब ये सिचुएशन कैसा होगा उस पे ऊपर अभी सरकार नजर रखी हुई है। जैसे कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फोन किए थे ओडिशा के मुख्यमंत्री के साथ, उनके साथ बातचीत किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज 12:30 जो सेक्रेटेरिएट है नवान्नों पे रहेंगे, और साथ ही वहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी खोला गया है, उस कंट्रोल रूम के ऊपर पूरी नजर रखेंगे। तो ओडिशा और बंगाल दोनों के बीच ये जगह पे जैसे कि लैंडफॉल होने वाला है, तो इस लैंडफॉल के बाद आखिर ये क्षति बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको मुकाबला करने के लिए दोनों सरकार, दोनों प्रशासन तैयार है। बिल्कुल ओंकार, क्योंकि आपने उड़ीसा का तो अपडेट दिया, बंगाल का भी आपने कुछ अपडेट दिया, लेकिन बंगाल में और किस तरीके की, अगर हम कहें क्या उड़ीसा से कम प्रभाव होगा, और जब वहाँ पर लैंडफॉल करेगा तो वहाँ पर कितनी रफ्तार से हवाएं चलेंगी, एक बार बंगाल का भी अपडेट दीजिए। जी देखिए, ये लैंडफॉल तो होने वाला है ओडिशा में, लेकिन ओडिशा में लैंडफॉल होने के वजह से जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर क्षति होने के आशंका बहुत ज़्यादा है। बंगाल की आखिर बात किया जाए तो बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, बांकुड़ा, ये सब जो जिला है, इसके अलावा दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, इस जिले में भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ सकते हैं। तो इनको मद्देनजर रखते हुए जैसे कि देखा गया है ममता बनर्जी वो आज 12:30 सेक्रेटेरिएट जो है यानी कि नवान्नों पे आज रहेंगे, और कंट्रोल रूम से पूरे राज्य का जो मोयना है वो करेंगे। इसके अलावा कंट्रोल रूम के नंबर भी खोले गए हैं, कोई किसी में कहीं पर फंस गया तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके वो सही जगह पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वो जो तटीय इलाका है यानी कि पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, ये जो इलाका है, इस इलाके के जितने भी कच्चे घरों पे रहते हैं वहाँ से लगभग 1,00,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, और इवैक्यूएट करके जो नियरेस्ट शेल्टर पॉइंट है उस शेल्टर पॉइंट पे लाया गया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो जितने भी स्कूल है स्कूल को छुट्टी दे दी है, क्योंकि वो स्कूल को रिलीफ शेल्टर बना के वहाँ पर जितने भी कच्चे घरों पर रहते हैं उनको रखा जाएगा, उनका खाने पीने का व्यवस्था भी किया जाएगा। तो ऐसे ही सारे व्यवस्था और बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा अस्पताल के ऊपर भी काफी नजर रखे गया है। और अभी हम लोग बात करें ये दाना के बारे में, तो यहाँ पर जब यानी कि ओडिशा पे जब ये टकराएगा तब तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती है। तो बंगाल में जब ये पहुंचेगा तो बंगाल में जैसे कि अभी तक कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व मेदिनीपुर जिला की सिचुएशन इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई है। और क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है लैंडफॉल का, ऐसे में सरकार भी पूरी तरह चाह रही है कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना बरती जाए और लोगों को खासतौर पर शिफ्ट किया जाए सुरक्षित जगहों पर, ताकि लोगों को किसी तरीके का नुकसान ना हो।